Haji, I was having this innate desire to have rajma today. So I soaked it overnight and now I'm gonna cook rajma with all the ingredients that I have. So, step number one in our quest to cook rajma is obviously isko na aapko pehle hi overnight soak kar lena hota hai. So I have soaked them overnight. Abhi ye thode se वैसे रह गए हैं हार्ड. व्हाट वी आर गोना डू इज यू गोना ऐड अ बिट ऑफ वाटर टू इट. ओके, हमने पानी इसमें डाल दिया है. इट शुड बी अबाउट हाफ एन इंच टॉप द राजमा. ठीक है, दैट्स डन. नाउ व्हाट वी गॉट टू डू इज वी गॉट टू ऐड सम सॉल्ट टू इट. राजमा ना मेरी सबसे फेवरेट डिशेज में से एक है. आई मीन इसके काफ़ी रीजन है. रीज़न नंबर वन ऑफ कोर्स इसकी इट्स वेरी टेस्टी इफ कुक वेल. एंड रीज़न नंबर टू इज हेल्दी होता है. और डिड आई से टेस्टी? यस आई सेड टेस्टी. सो व्हाट वी गॉट डू इज वी हैव एडेड सम वाटर टू इट. नाउ वी गोना लेट इट बॉयल सो दैट इट्स नाइस क्रिस्पी एंड सॉफ्ट. राजमा का क्या है ना, राजमा ऐसी डिशेज में से एक है जिसको यू कैन हैव एनी टाइम. आई मीन रिगार्डलेस ऑफ व्हेन यू चूज टू ईट राजमा इट विल ऑलवेज टेस्ट गुड. आई मीन राजमा चावल वॉज द स्टेपल डाइट आफ्टर कॉलेज फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. डीओ में मेरे कॉलेज के बाहर ना एक सरदार जी हुआ करते थे. वो अपनी मारुति 800 में दो बड़े बड़े थर्मस लेके आते थे. एक के अंदर चावल होते थे और एक के अंदर राजमा होते थे. एंड आई थिंक ही यूज टू come to college around 9 in the morning and 12 baje tak wo sara saman bech ke apne ghar chale jate the. I mean that is the power and that is the kya kehte hain level of amazingness in taste that rajma has. To isliye maine socha ki aaj rajma banate hain. Now because humne rajma ko kal raat ko soak kar liya tha to ab na isko ubalne mein zyada time nahi lagega. To 3-4 seedhi mein iska kaam ho jayega. Which basically means कि बहुत quickly we can make it. For the first time in my life, cook something जिसमें प्याज का छौंक लगेगा. Now mind you, मेरे घर पर प्याज नहीं आती है, मेरे घर पर प्याज का खाना नहीं बनता है. But I saw the recipe online and उसमें लग रहा था कि खाना tasty होता है प्याज से. ऐसा नहीं है कि मैं प्याज का खाना नहीं खाता हूँ, but मेरे घर पर नहीं बनता है. So in that regards, अगेन जब मेरी मम्मी इस वीडियो को देखेंगी और या स्पेशली मेरे पापा जब इस वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे कि यू बी वेरी अनॉयड. और इट्स फाइन बिकॉज प्याज से आई हैव हर्ड कि टेस्ट आता है. ऑलवेज रिमेंबर टू वॉश योर अनियंस आफ्टर यू हैव पील्ड देम. अब इसका हम क्या करेंगे, आई नीड अ स्मॉल प्लेट. इसको मैं बहुत छोटे छोटे पीसेज में डाइस करूँगा ताकि मेरे राजमा में ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो इन द टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, कि मेरे को दिखे नहीं. एज लॉन्ग एज आई डोंट सी इट I don't have a problem with it. Rajma ka taste na actually uski puree se hi aata hai. Otherwise it's just some boiled kidney beans. To hamari puree mein hum tomato use karenge, hamari puree mein hum adrak use karenge aur hamari puree mein hum pyaaz use karenge. To us sab ke liye un sab ko prepare kar lete hain puree ke material ko. So that the puree is like the best as it can be. तो प्याज मेरे पे है, टमाटर मेरे पे काफ़ी सारे हैं और अदरक भी मेरे पे थोड़ा सा है. I'm gonna use all that I have to make it the best version possible. अनियन हमारी ऑलमोस्ट डाइस हो गई है. और राजमा का ना प्रेपरेशन टाइम स्पेशली ज़्यादा होता है बिकॉज इट नीड्स टू कुक प्रॉपरली. तो इसीलिए मैंने साथ साथ दोनों चीज़ें कर दी हैं सो दैट आई कैन मेक माई प्यूरी एज वेल एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल. तो ये हमारा अदरक है और आई एम गोना टेक सम ऑफ माई छोटे छोटे टमाटर. आई थिंक दिस शुड डू. आई हैव सैलड के लिए क्यूकम्बर. तो बिकॉज आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ इट आई एम गोना जस्ट टेक अ टाइनी पिंच ऑफ जिंजर. तो प्यूरी बनाने के लिए ना हमारा फर्स्ट स्टेप विल ऑफ कोर्स बी टू
put the onion in first, because onion is what's gonna give the flavor to the oil. Fir usme hum tomato aur hamara ginger aur hamare baki masale dalenge to get the exact flavor out of it. Now I'm gonna dice the tomatoes also very fine, because mere ko na sabzi ke andar bade bade tomato, bade bade pyaaz dekhne mein maza nahi aata hai. It's kind of repelling, but I want the taste to be there. So isliye I'm dicing my tomatoes also very fine. ये मेरी लाल YouTube की जैकेट पे लाल लाल टमाटर लगेगा ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. ओके, अब राजमा को तो हम उसके साथ भी खा सकते हैं चावल के, और बट आई हैव रोटी, सो आई एम गोना ईट रोटी एंड राजमा, जो कि एकदम बढ़िया स्टाइल का इंडियन लंच डिनर हो जाएगा मेरा. दैट विल बी गुड. राजमा की मेरी जो बेस्ट मेमोरी है ना, दी फॉन्डेस्ट मेमोरी दैट आई हैव इज ऑब्वियसली माई मदर कुकिंग राजमा. एंड दी सेकेंड बेस्ट ऑफ कोर्स विल बी व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो फॉर रोड ट्रिप्स विद माई फ्रेंड्स. देन ढाबे पे रुक के, मैं वेज हूँ तो मेरे या तो छोले आते थे या राजमा आते थे. तो उस रिगार्ड में राजमा स्टेपल पंजाब की डिश है. अमृतसरी राजमा जो होते हैं, अमृतसरी छोले जो होते हैं, उनका टेस्ट मैं थोड़ी लाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई हैव थोड़े गर्म मसाले एज वेल. तो आई विल एड दोज टू माई फाइनल राजमा एज वेल. अब जिंजर का पेस्ट बनाना है, बट आई डोंट नो हाउ टू क्रश इट. सो व्हाट आई एम गोना डू इज थोड़ी देसी ट्रिक आजमाने की कोशिश करेंगे. आई एम गोना डाइस इट फर्स्ट इनटू स्मॉल पीसेस, डाइस द जिंजर स्लाइटली, एंड देन आई एम गोना ट्राई एंड गेट द जूस आउट विद दिस. काफ़ी डेंजरस काम कर रहा हूँ मैं, बट ठीक है. Okay, so it's time to make our puree. Puree ke liye step number one, we will take a bunch of mustard oil. Thoda sa aur le lete hain kyunki hamari rajma ki quantity zyada hai. We've taken mustard oil. Isko thoda garam hone denge aur fir isme pyaaz bhunenge till it's golden brown. Mere sare masale yahan pe aa gaye hain. Ye mere haldi hai and this is my khade masale, jisse thoda sa flavor aayega. In fact, kafi flavor aayega acha. So step number one is obviously to let the oil heat for a bit. I think it is doing that. Oh yeah. Kabhi CT aayegi to bahut tez aapko kano mein awaaz aayegi, so I will try and reduce it, but bear with me if I am unable to. Okay, tumhara tel garam ho gaya hai. Ab tel mein dalenge hum onion aur isko hum tab tak pakayenge jab tak ye golden brown nahi ho jati. Think you're supposed to roast it till it's golden brown so that the smell goes away, but the flavor, that's what's important, the flavor, it stays. So isko roast karenge, thodi gas kam kar leta hu so that it roasts properly. Show the feedback, meri shakal dekh ke aapko kya milega, khana dekhna hai aapko. So this is my onion that is cooking and I'm gonna cook it till it's golden brown. To isko thoda pakne dete hain, jab golden brown ho jayega tab dikhata hu. See, the onion is literally dancing right now. So next step will be the tomatoes, and then third pe aayega hamara ginger, so that the flavor of the ginger is the most prominent. That's the whistle number two. हमारी टमाटर का छौक और प्यूरी अभी तो छौक ही लगा है. Now what I need to do is I will add ginger in it as well. Okay, that's whistle number three. प्यूरी को थोड़ा अच्छा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे. And then I'm gonna cook it. जिससे ये थोड़ा अच्छे से हो जाए प्रॉपरली मैच. मेरे सारे मसाले कुक हो गए हैं, बट इसमें अब हम डालेंगे थोड़े मसाले एंड देन आई एम गोना लेट इट कुक फॉर अबाउट 10 मिनट्स. ओके, सबसे पहले माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड, थोड़ी लाल मिर्च, उसके बाद मसाले टू ऐड टू मोर फ्लेवर. थोड़ा सा और मसाले डालते हैं.
थोड़ी सी और लाल मिर्च डालते हैं. परफेक्ट. आई वांट टू क्लोज दीज नाउ. दीज आर डन. अब इसमें मेन फ्लेवर जो आएगा ना, वो आएगा थोड़ा सा हल्दी का. थोड़ी हल्दी डालते हैं फॉर द कलर. और इसकी गैस कम करनी है. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड सम गरम मसाले टू इट सो दैट देयर इज मोर फ्लेवर इन इट. आहा, एकदम अमृतसरी स्टाइल छोले बनेंगे. बहुत मज़ा आएगा. इसमें थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा सो दैट इट कुक्स प्रॉपरली. सो ये है हमारा राजमा की प्यूरी. ये कुक हो रही है. ये हमारा कुकर है. इट्स केप्ट ऑन द स्टोव, जस्ट ऑन द स्टोव. इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. इसमें से हम वेटिंग फॉर द स्टीम टू कम आउट सो दैट अननेचुरली वो कुक ना हो. एंड ये हमारा टाइमर है. इसमें से 10 मिनट्स का टाइमर था. 6 मिनट्स हैव गॉन बाय. आई हैव डन द इनिशियल क्लीन अप. एंड अब बात जो रहेगी उसको सर्व करने की रहेगी. सो कैमरा को वापस रखते हैं टू वेयर इट बिलोंग्स. I think we can just let it simmer for a bit. इसमें से स्टीम निकल जाएगा और हमारी प्यूरी को एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है. ओके, सो इट्स कमिंग अक्रॉस वेरी नाइसली. नाइसर देन आई एक्सपेक्टेड. द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इन दिस प्यूरी इसकी अच्छे से मैश नहीं है. बट सैडली आई कांट डू मच अबाउट इट क्योंकि आई डोंट हैव अ ब्लेंडर. तो वो सीमलेस और बिल्कुल फ्लो ही नहीं हो पा रही. बट nothing more that you can do. For the last 3 minutes, I am gonna put the flame ek number upar, 3 pe. And I'm gonna now open the rajma properly. Uske liye mujhe shayad spoon ki avashyakta padegi. So, this is what we're gonna do. Okay, now, ab rajma check karte hain. This is my phone so that I can show you how it looks. Ye hamare rajma ho gaye hain. आई थिंक थोड़े से कच्चे रह गए हैं अभी भी. हमारे राजमा जो है ना अभी थोड़े से कच्चे हैं. आई एम गोना पुट इट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मोर विसल्स सो दैट इट्स मोर इवनली कुक्ड. तो हमारा टाइमर ऑलमोस्ट अप हो गया है. एक मिनट बचा है और हमारी प्यूरी भी हो गई है. आई विल ट्राई एंड मैश इट एज मच एज आई कैन सो दैट प्यूरी थोड़ी अच्छी लगे. मीनवाइल इफ यू गाइस वांट टू सी हाउ द प्यूरी लुक्स आई एम गोना शो इट टू यू. ओके, सो दिस इज़ हाउ द प्यूरी लुक्स राइट नाउ. इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है बट विच इज़ फाइन बिकॉज और मेन प्रॉब्लम इसके हमारे राजमा ढंग से कुक नहीं थे तो उसको हम थोड़ा और बॉयल करते हैं. एंड लेट्स वेट. हाँ जी, तो कुछ और सीटियों के बाद आई थिंक हमारा राजमा इज फाइनली रेडी टू कुक. और थोड़ी सी हवा निकाल देते हैं. हमारी गैस फिर से ऑन हो गई है. हमारे राजमा काफ़ी गल गए हैं. एंड द थिंग दैट वी आर गोना डू इज वी गोना मिक्स the two of these and then we're gonna cook them together and hope ki hamari quantities match kar jaye. I think I have got too much rajma now which is fine but I think it's fine for this quantity but thoda paani evaporate ho jayega na to sab acha hoga. Ah, I can see that it has got the color. I just hope that it gets the flavor as well. So next batch of our cooking will require me to mix this whole rajma that has been cooked. That is step one obviously. Step two, iski hum isko phir se 10 minute ke liye cook karne ke liye chhod denge on a medium flame so that everything is nice and ready. But before that, I think I need to get a taste of how it tastes right now so that I can get an idea ki isme kisi cheez ki kami to nahi hai. थोड़ी ग्रेवी थोड़ी थिक नहीं है अभी. वन थिंग दैट्स लैकिंग हेयर इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो आई एम गोना ऐड सम मोर सॉल्ट बिकॉज इसमें पानी ज़्यादा हो गया ना तो इसलिए आई थिंक द सॉल्ट इज लैकिंग. सो ऐड मोर सॉल्ट अपने स्वाद के हिसाब से. इफ यू लाइक लेस सॉल्ट एंड इट्स फाइन बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर आर थिंग. तो अब इसको मैं आई एम गोना लेट इट कुक फॉर अनदर 10 मिनट्स. So while I will let this cook for 10 minutes, I'm gonna open it in 5 and then I'm gonna stir it to make sure everything is nice and crispy. Meri medium pe flame hai and I am just setting up my timer for 5 minutes and I'll open it in 5 and then see what happens.
ओके सो हमारा फर्स्ट 5 मिनट्स का टाइमर हो गया है. वी गोना गो टेक अ लुक एट हाउ आर राजमा लुक्स आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स. आई थिंक द ओनली थिंग दैट इट लैक्स नाउ इज अ टिंज ऑफ टैंगीनेस विच आई विल एड विद लेमन व्हेन आई ईट इट. सो फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम गोना लीव इट अलोन. ओके तो हमारा टाइमर हो गया है. अब फाइनली देखते हैं कि हमारा राजमा लक कैसा रहा है और टेस्ट कैसा कर रहा है. सो इफ आई वर टू शो यू द ग्रेवी इज स्टिल वॉटरी बट आई थिंक हमारे राजमा की क्वांटिटी के हिसाब से इट्स फाइन. आई थिंक मैंने राजमा थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम गोना यूज लेस राजमा. बट फ्रॉम वॉट आई कैन सी आई सो विश आई कुड मेक यू टेस्ट इट बिकॉज इट टेस्ट रियली नाइस रियली स्पाइसी जस्ट द वे आई लाइक इट. अब इसको हम अपने बाउल में सर्व कर लेंगे. सो दिस इज हाउ इट फाइनली लुक्स. यू कैन सी दैट द ग्रेवी इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ थिक. थोड़ी ग्रेवी मेरे हिसाब से कम है अभी भी बट आई थिंक द राजमा हैज बीन कुक्ड वेरी नाइसली. काफ़ी गल गया है राजमा. सारे मसाले अगर आप चाहो तो यू कैन एट द एंड गेट द गरम मसाला आउट ऑफ इट. एंड ओके सो दैट इज आवर राजमा रेडी. व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज आई एम गोना क्विकली कुक माय रोटी ऑन द तवा. गो क्लीन इट एंड देन कुक माय रेडीमेड रोटी ऑन इट. देन आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल पिक्चर ऑफ द मील. आई थिंक इसी टाइम ओवर द वॉइस ओवर आई विल पुट द फाइनल वीडियो ऑफ द मील. And that will be it for this video. This was the 5th or the 4th episode, I don't know. But I'm having so much fun making these videos. Tell me in the comments what you want me to make next. Or thank you for watching this till the end. I'll see you in the next one. Goodbye.